भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति 5 की सभापति साकिरा बानो इम्तियाज अहमद शेख ने संभाला अपना पदभार। विशेष तौर पर आपको बता दें, आज उनके कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के महापौर जावेद दलवी, कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष सुहेब गुड्डू और गट नेता हलीम अंसारी के हाथों रिबिन काटकर उनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सभी नगर सेवक पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के 5 प्रभाग समितियों पर महिलाओं ने अपना कब्जा जमाया। ऐसे में महापौर जावेद दलवी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरह 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है, लेकिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की तरफ से पूरा 100% महिलाओं को वो आरक्षण दिया गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित वहां पर दिखाई दिए महापौर जावेद दलवी, सोएब गुड्डू जो कि कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी के गट नेता हलीम अंसारी, महिला अध्यक्ष रेहाना अंसारी, अल्पसंख्यक के भिवंडी शहर अध्यक्ष तुफैल फारूकी, परवेज खान, रशीद ताहिर, नगर सेवक वसीम अंसारी, बाबा बाउद्दीन, शकील अंसारी, परवेज मोमिन, तला मोमिन, साफ मोमिन, लव्वा भाई, डॉक्टर जुबैर अंसारी, मुन्ना भाई, साजिद खान, बबलू भाई सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर नवनिर्वाचित सभापति साकिरा बानो को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। हम आपको बता दें कि समाज सेवक याकूब शेख के द्वारा पूरे कार्य को देखा जाता है। साकिरा बानो जो सभापति बनी है, उनके पूरे कार्य को देखने का कार्य समाज सेवक याकूब शेख के नेतृत्व में किया जाएगा। हम आपको बता दें कि प्रभाग समिति 5 का हम आपको दृश्य दर्शा रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई, खुशी जाहिर की गई। विशेष तौर पर आपको बता दें कि याकूब शेख के चहेते जो युवा जो उनसे जुड़े हुए हैं वो भारी संख्या दिखाई दिए। सभी लोगों ने याकूब शेख और उनकी माता जी साकिरा बानो का स्वागत फूल पुष्प गुच्छ व मिठाइयाँ खिलाकर किए। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए महापौर जावेद दलवी, भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सोहेब गुड्डू, गट नेता हलीम अंसारी और महिला अध्यक्ष रेहाना अंसारी ने शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, और वहीं याकूब अंसारी ने अपने कार्य को किस तरह निभाएंगे, देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये चाय लेने में समय की वजह है कि ऑफिस का काम चल रहा था और परवा की शिफ्टिंग की जा रही थी, इसके वजह से इसको थोड़ा लेट हुआ। मगर देर आए दुरुस्त है और अच्छी जगह पर आए। वो जो बिल्डिंग थी वो धोखादायक बिल्डिंग में थे, वो धोखादायक की जगह एक अच्छी बिल्डिंग में, अच्छे ऑफिस में हमारे जो साकिरा बानो शेख मैडम ने आज जो चार्ज लिया है, मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने महिलाओं को महानगर पालिका में आरक्षण 50% जो दिया है इलेक्शन में, तो उसके हिसाब से हमारी पार्टी की तरफ से भी तकरीबन 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तो महिलाओं को पद देना हमको लाजमी है, और इसीलिए वो महिलाओं को आपको दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं प्रभाग समिति में बैठी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको आने वाले 2-4 महीने के अंदर ही शहर में चेंजेस दिखने लगेंगे, आपको काम समझ में आएगा, और इंशाअल्लाह तमाम प्रभाग समितियों के जितने महिलाएं हैं और जितने उनके घर के जो भी जिम्मेदार लोग जो उनका काम देखते हैं, वो तमाम लोगों की मदद से शहर का जो आगे का ख़ास तौर से सबसे गंभीर मसला है रोड का, वो रोड का मसले को इंशाअल्लाह जैसी बारिश रुकेंगी वैसा हम लोग काम की शुरुआत करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग इसमें शामिल होके इसके अंदर पूरा हमको सक्सेस करवा के देंगे, और सक्सेस होगा। मैं उस दिन भी कहा, उस दिन भी हमको अवार्ड लेने जा रहे थे तो मैंने कहा कि अवार्ड लेने का हकदार हम नहीं, हम जब इस शहर के रास्ते बनाएंगे जब अवार्ड लेंगे। तो इसी तरीके से आज भी हमारी जो साकिरा बानो शेख मैडम ने जो आज चार्ज लिया है, मैं समझता हूँ इनकी भी एक, इनके साथ में जो इनके बच्चे खास तौर से याकूब है, हमारे बाबा है, ये काफ़ी मेहनत करते रहते, काफ़ी काम करने की कोशिश करते रहते, और इसमें भी ज़रूर हो प्रभाग 5 से अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ, और सबको मुबारकबाद देता हूँ। भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हमारी अम्मी साकिरा बानो इम्तियाज शेख जो प्रभाग 5 की सभापति हैं, आज इन्होंने चार्ज लिया, मैं पूरी पार्टी की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं जिस तरीके से हमारी अम्मी ने पिछले 2012 से 2017 तक जो उन्होंने मेहनत किया था और उनकी मेहनत से
वार्ड के अंदर सबको ले कर चला, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी समाज के लोग हों, सबको एकजुट करके अपने वार्ड में अच्छा काम करने के उनको इनाम में वापस से जनता ने चुन के भेजा। और ये दूसरा पीरियड उनका है, उनकी सीनियरिटी देख के आए, उनको प्रभाग चेयरमैन बनाया गया है। और इसी तरीके से हर माँ की दुआ अपने बच्चों के साथ रहती है, मैं भी अपनी अम्मी को गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों के लिए दुआ करें आने वाले वक्त में। और यहाँ पे आज 47 नगर सेवक हैं और अपने अपने वार्डों में अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। लेकिन खाली मेन जो मसला यहाँ पे शहर को लेकर रोड का, रोड के मामले में बारिश से पहले कुछ यहाँ के आमदार के वजह से कुछ अड़चन आने की वजह से जो काम नहीं हो सका, उसके बाद बारिश लग गई। अब की बारिश भी इतनी ज़्यादा थी कुदरत कि आगे कोई देख कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो उसके अलावा भी अभी इंशाल्लाह जैसे महापौर साहब बोल के गए हैं, बस ये बारिश रुकते ही हर पूरे शहर के अंदर जो रोड का काम है सबसे पहले रोड करने काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आज जो मेरे दोस्त मेरे भाई जैसे हैं याकूब, जो इन्होंने हमेशा लोग नौजवानों में यंग लोग स्थलों को बढ़ाने का काम किया है, लोगों का काम करने में हमेशा सक्षम रहे हैं। उम्मीद करता हूँ प्रभाग 5 में जो भी लोगों के काम है, जो भी मुद्दे होंगे, गली गटर अपना ब्लॉक के हो, पानी के मसले हो, जो भी मसले हो, वो अच्छे ढंग से अपना काम लोगों का काम करेंगे और पार्टी का नाम रोशन करेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और अम्मी को मैं वापस से मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं तह दिल से मुबारकबाद देता हूँ प्रभाग समिति 5 के आप चेयरमैन बनी, आज कारोबार संभाली है और मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छा काम करेंगे और पूरा कारोबार जो है इनके लड़के याकूब भाई हमारे और बाबा ये लोग संभालते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि याकूब भाई जो है पूरे प्रभाग समिति 5 के अंदर जो भी काम काज है बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और रोड रास्ता जो ख़राब है वो इंशाल्लाह जैसे ही बारिश खत्म होती है प्रभाग समिति 5 के जो भी रोड है वो याकूब भाई जो है जैसे ही बारिश खत्म होगी प्रभाग समिति 5 के अंदर वही का काम चालू करेंगे। और मंडी के अंदर जितने भी खड्डे हैं इंशाल्लाह नए रोड बनने का आगाज चालू हो रहा है जैसे ही बारिश खत्म होगी और उसका प्लांट जैसे चालू हो जाएगा डामर का और हमारा काम का चालू है। मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से मैडम क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए पांचों प्रभाग में महिलाओं ने कब्जा जमाया है सभापतियों के कुर्सियों पर, इस बार यहां पर भी वही चीज देखने को मिला, तो क्या कहना चाहेंगे? आज मैं सबसे पहले तो मैं राजीव जी गांधी और सोनिया गांधी का मैं शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने 50% आरक्षण दिया और आज इसकी देन है कि आज पांचों प्रभाग में महिला चेयरमैन बनी है। और मैं ऐसी उम्मीद रखती हूं कि हमारे जो भी महिलाओं की समस्या है ये पांचों प्रभाग की जो महिलाएं हैं अच्छी तरीके से उसको हल करेंगी। और मैं ऐसा उम्मीद रखती हूँ कि हमारी जो आज प्रभाग 5 की चेयरमैन बनी है हमारी याकूब भाई की अम्मी और ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी कुर्सी को बैठकर अपने काम को अंजाम देगी और महिलाओं के समस्याओं को लेकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के ऊपर काम करेगी, ऐसे मैं उम्मीद। देखा जाए आपके माता जी को आज प्रभाग समिति 5 के सभापति के रूप में चुना गया था, आज पदभार भी संभालने के लिए बनी थी, क्या कहना चाहेंगे विकास के दृष्टिकोण से, क्योंकि देखा जाए विकास के काम काफी बाकी है प्रभाग 5 में? विकास का जो है, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी अम्मी को चेयरमैन बनाए, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा विकास को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, अभी बारिश की वजह से जो तकलीफ हुई है उसकी वजह से काम रुका है, बारिश से पहले भी काम चालू था हमारे वार्ड में, बारिश इतनी बारिश होने की वजह से काम हम लोग नहीं कर पा रहे और बारिश खत्म होने के बाद इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे और हम लोग काम करके जवाब देंगे, हम लोग ऐसे जवाब नहीं देंगे, हमारा काम बोलेगा इंशाल्लाह और हम लोग काम करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।